हाय गाइस, एक और वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर पे। आज है संडे, संडे है आज। तो बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मायामी वेंसडे को। तो मायामी भी तुमको बताऊंगा, घुमाऊंगा। मैंने पहले, हाँ भाई, मैंने मायामी का पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, बट लेकिन इस बार फिर से जा रहा हूँ काम से। तो मायामी भी घुमाएंगे, लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ पिकअप करने जा रहे हैं, एगोहॉलिक। यहाँ पे सब अंडे का आइटम मिलता है और एकदम स्ट्रीट स्टाइल इंडियन एग का आइटम मिलता है। तो arrived. तो वही एक फ्रेंड का ऑर्डर था, तो वो पिकअप करके फ्रेंड को डिलीवर करेंगे उसके घर पे। आज थोड़ा लंच उसने किया नहीं है, तो लंच करेगी वो और फिर हम जाएंगे डिनर। तो दिखा तो आपको एगोहॉलिक भी। पता नहीं यार, ये टेक्सास का वेदर, कभी बारिश है कभी धूप है, आई डोंट नो, बहुत वियर्ड वेदर है। बट एगोहॉलिक में चल रहे हलाल गाइस, ये भी अच्छा था। वेदर है यार, चल के क्या। तो एक और बात बोलनी थी, रिसेंटली आपने सुना होगा पूनम पांडे के बारे में। यार मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मेरे को कुछ बोलना था बट लेकिन अब पता नहीं कैमरे में बोल सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, मेरा ही चैनल है तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो ठीक है, जिसको सुनना है सुने, ना सुने ना सुने, ठीक है। मार्केटिंग और अवेयरनेस और पीआर टीम अपना काम करती है, और इस इंटरनेट के ज़माने में, जेन ज़ी के ज़माने में बहुत कुछ हो रहा है। एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इज़ अ गुड मार्केटिंग कहा जाता है, लेकिन इतना नीचे गिरना, मतलब किसी को डेड डिक्लेयर कर देना, और उसके बाद मतलब आई वॉज लाइक हाउ डाउन यू कैन गो, लाइक इससे ज़्यादा नीचे तो इंसान क्या ही गिरेगा, ये तो पूरा पाताल में घुस चुका है। मतलब लिटरली दिस वॉज रबिश। आई डोंट नो पीआर टीम कैसे अप्रूव करती है ये सब चीज़ें। बेकार लगा यार मेरे को, तो बिल्कुल बेकार लगा। मतलब आई फेल्ट इट इज डिस्गस्टिंग, इडियट काइंड ऑफ पीआर मार्केटिंग। ये देखो, ये गाइस टोल रोड ऐड पूरा, जो टीटी लिखा हुआ है ना वो टोल रोड है। ये यहाँ पे कुछ $1.5 जैसा कटता है, ये टोल रोड है। और अगर आपको टोल नहीं लेना तो कॉर्नर की 3 और एक लेन होती है, उसमें जा सकते हो, वो फ्री होता है, बट वो थोड़ा लंबा होता है। तो आ गए घर पे उसके फ्रेंड के, घर दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऐसे घर होते हैं यहाँ पे, ये घर, ये वाला घर है फ्रेंड का, और ये उसकी स्ट्रीट है। और वो सबका बिल्ट तो एक जैसा ही होता है, थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक स्ट्रीट लेन है, आई नो थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन यही यूएस डैलस टेक्सास में ऐसे ही घर होता है मोस्टली। आप कैलिफोर्निया में भी जाओगे तो ऐसे ही संबॉट घर मिलेंगे आपको। ये इसका पूरा एरिया है, ये गैराज है और ये है पीछे का इनके। यहाँ पे ये बेसबॉल ग्राउंड है, और ये इनकी खुद की जगह है। यहाँ पे कुछ भी करो, पार्टी वार्टी, और यहाँ पे ऐसे दिवाली नहीं होती, लकड़ी का ही होता है सब, सब लकड़ का ही बना होता है। ये देखो पीछे से सारे घर दिख रहे हैं आपको। अभी फिर भी हल्की ठंडी है, बट लेकिन आई थिंक मार्च से जो गर्मी शुरू होने वाली है टेक्सास में, ऐसा दिखता है कुछ घर। एक दिन तो हम भी ऐसे ही खेला करते थे,
पता नहीं कब आएगा वो दिन। वीड पुलर हमारे यहाँ तो वो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी होती है तो खींच के निकाल लेते, बट यहाँ अमेरिका में ये जो फालतू की जो वीड उग जाती है उसको ऐसे गार्डन में से निकाला जाता है। ऐसे देखो ये इजीली आपके जो अनवांटेड प्लांट्स जो वीड बोलते हैं यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये सब देख के मेरे अंदर का जो खेडूत जाग जाता है, पर हमारे अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं है। तो अगला दिन जो आपने लास्ट स्लाइड देखी थी, लास्ट जो शॉट था वो कल का था, तो उसको नेक्स्ट डे हो गया है। काम कर रहा था सुबह से, तो अब कल जाने वाले हैं मायामी और शिवानी जा रही है ऑरलैंडो, क्योंकि पापा मम्मी वहाँ है तो सोचा कि जाओ उसको वहाँ भेजते हैं और मैं अपने काम से मायामी निकल जाऊँ। तो अपडेट्स तो कुछ इतनी ज़्यादा है नहीं, बट हाँ इंडिया जीत गई ये टेस्ट मैच, और जो मॉडर्न डे गोट है ना जसप्रीत बुमराह, ओहो क्या बॉलिंग करी है भाई ने, मतलब दिल खुश हो जाता है। रात को 10 बजे यहाँ पे मैच शुरू होती है, वहाँ पे इंडिया में 9:30 बजे सुबह में, जो मज़ा आता है ना मतलब मैच देखने में, लिटरली क्या बॉलिंग करी है भाई ने, मतलब जो यॉर्कर मारे ओली पोप को और पेन स्टोक्स को जो रिवर्स करवाया है बॉल, मज़ा आ गया यार, लिटरली मज़ा आ गया। तो इंडिया टेस्ट मैच जीती, अब थर्ड टेस्ट में देखते हैं कि यार विराट भाई आते हैं कि नहीं। आई थिंक कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं उनके भी और पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से तो नहीं है वो, बट अगर वो होंगे तो टेस्ट मैच देखने की मज़ा अलग ही है। तो वो एक अपडेट थी, वो डिस्कस करना था कि चलो मज़ा आया यार मैच देखने की, यार यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा करने को होता नहीं तो मैच होती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए। तो कल जाएंगे मायामी, देखेंगे, अब अगला व्लॉग मैं बनाऊँगा, बट अगर आपको यही सब एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे भाई, अब मैं क्यों बना रहा हूँ ये सब चीज़ें, थोड़े तो एक दो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अच्छा लगेगा, लाइक कर दिया करो, और जो भी कमेंट करते हैं आई अप्रिशिएट, अपने व्यूज़ देते हैं, सब अपने ही भाई हैं, किसी को कोई बुरा ना लगे, बट हाँ अपने आप से प्यार करो और उससे भी पहले अपने देश से प्यार करो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।